बिहार टीम को यहाँ पर बॉल को क्लियर किया है अपना साथी के लिए देखना होगा, खतरा हो सकता है राइट जरूर देखने को मिला था, लेकिन आनंद बिहार टीम को पुनः फिर से यहाँ पर एक मौका, यहाँ शायद यहाँ पर कौन शॉट मारने का मौका, इस टूर्नामेंट का यहाँ पर हो चुका है, यहाँ पर देखा हो सकता है लेफ्ट फुट की तरफ से यहाँ पर कड़वा टोला को अच्छा मौका मिला है, मिला था लेकिन उससे पहले यहाँ पर ऑफसाइड का संकेत आता हुआ सुपर बैक यहाँ से शॉट जमाएंगे कड़वा टोला की टीम, आनंद बिहार की टीम देखना होगा सुपर बैक आनंद बिहार की टीम बॉल आगे डेवलप कर दिया है, डी बॉक्स में संभालने का प्रयास लेकिन सचिन यहाँ पर सुपर गोलकीपर का अच्छा कलेक्शन और यहाँ पर बॉल को निश्चित रूप से यहाँ पर सुपर गोलकीपर ने बॉल को चबू की भांति बॉल को संभाला है, चलिए बॉल के पीछे दरअसल बॉल चबू के लिए खड़ी लंबा लॉक कर दिया है, डी बॉक्स में डालने का प्रयास है और यहाँ पर जैसे बॉल शॉट के लिए खड़ी का प्रभु अपील करते हुए यहाँ पर ऑफसाइड का संकेत होता हुआ फिर शॉट जमाने का मौका, इस समय यहाँ पर अपना साथी राइट डिफेंस के लिए बढ़ा दिया है, ठीक सेंटर मंडप के छत्र पर बॉल मारता हुआ देखना होगा राइट हैंड की तरफ से छह गोल होते करेंगे जी नहीं, और ये देखना होगा एक मौका हो सकता है यहाँ पर राइट हैंड थ्रो की तरफ से आक्रमण करने का तैयारी में देखना होगा, इनाम तुम समय में क्या कुछ कर पाएगा आनंद बिहार की टीम, जी नहीं वैसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर न रहेगा पास न बजेगा बसुरी, यहाँ पर बहुत ही अच्छा मौका मिला था राइट हैंड थ्रो की तरफ से लेकिन उसका सारी सफलता को यहाँ बिगड़ता हुआ पुनः एक बार फ्री शॉट जमाने का मौका, कॉर्नर शॉट जमाने का मौका यहाँ पर मिलेगा आनंद बिहार टीम वाले टीम को, और यहाँ पर एसके रात्या चक की हमारे साथी कमेंटर इस कमेटी बोर्ड पर उपस्थित हो चुके हैं, जिसका नाम है मिस्टर पप्पू, आप आइए इस नए खबर पर आपका स्वागत है, धन्यवाद। हेलो हेलो जी, और SK रतिया चक की तरफ से मैं पप्पू कुमार की पिछले 2 दिनों से मैं उपस्थित नहीं हो सका और मैं सहयोग इस बार अपना समय की व्यस्तता के कारण नहीं दे पाया, तो इसके लिए जो है मैं अपनी SK क्लब की ओर से सभी दर्शकों का और साथ ही साथ यहाँ के जितने भी मेंबर्स हैं उसका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और साथ ही हमारे सभी कॉमेंटेटर सुभाष जी जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया है कि टूटी फूटी भाषा में जो भी हो आप दर्शकों के बीच खेल का मुआयना को रखें, उसके लिए मैं उसे भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जैसा कि अभी का जो ये गेम है सेकेंड सेमीफाइनल का गेम है और दोनों टीमें शून्य के बढ़त पर बनाए हुए हैं, और अभी इस प्रकार से जो मैच का जो एक मौका बन सकता था लेकिन गोलकीपर उतना ही चीज दुरुस्त गेंद को गैदर किया और पूरा शॉट किक जमाने के लिए तैयार, बहुत ही बढ़िया शॉट पर साथी खिलाड़ी के लिए है, हेडिंग के माध्यम से गेंद को घुमाने का प्रयास किया है, शॉट के पास मौका हुआ था जैसे बरसों इस तरह से खिलाड़ी का प्रयास किया है, अभी एक को छकाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से गेंद निकालने का प्रयास किया है, वहां पर बन सकता था लेकिन जैसे गेंद को निकालने का छकाने का प्रयास किया, विपक्षी प्लेयर हरी के बारे में निकल गए प्लेयर के द्वारा गेंद को आउटसाइड भेजा गया और इस प्रकार से अपना स्प्रिंग करने का मौका मिलता हुआ कदवा टोला की टीम को, और देखना होगा कैसे गोल करते हैं अपने साथी खिलाड़ी का पास और बढ़िया थ्रो और इस तरह से नंबर 5 के पास लेफ्ट हो सकता है, नेचुरल बेसिकल सेकंड को बहुत बढ़िया से रोकने में कहा, यहां पर पिच मेरा गेंद मंगाता हुआ और जोर यहां पे दर्शक और शॉट करने का प्रयास किया था लेकिन गोल के ऊपर पप्पू जी 1 मिनट जो कि कड़वा टोला के टीम जो भी खिलाड़ी इस गोल को वापसी किए हैं फिर अपना हाथ उठाएंगे, धन्यवाद कड़वा टोला टीम अपना हाथ उठाएंगे, जो भी खिलाड़ी गोल किए हैं फिर बैठ करके अपना हाथ उठाएंगे, धन्यवाद। और थोड़ा सा इंटरफेरेंस के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और इस प्रकार से मैं तकलीफ कर रहा हूं और अपन लोगों को सत्ता की तरफ करने का प्रयास कर रहा है। किसी चलो शानदार तरीके से यहां कदवा टोला की टीम ने सुने एक गोल दागा और इस प्रकार से गोल सुनी के बहुत बनाता हुआ और जो प्लेयर गोल दागे के पे अपना हाथ खड़ा कर देंगे और जर्सी नंबर 9 के द्वारा जो एक बहुत ही शानदार गोल दागा गया है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने थकाने का प्रयास किया और एन समय में जो उन्होंने गोल लगा और रन पर गया तो बहुत शॉट मार दिया है, लेकिन बिल्कुल गलत शॉट हो गया जो है आउट से डंच मार जाता हुआ और अभी शॉट जमाने के लिए तैयार राहिला पप्पू जी। थोड़ा समय आपका बातों को मैं छीनना चाहूंगा। तो जिस प्रकार से मैंने पहले से ही यहाँ पर इसके बारे में जिक्र कर रहे थे पेंडा के बारे में, इस प्लेयर भी कल का मैच में बहुत ही अच्छा संदर्भ बना था। आज भी थोड़ा बैठन से पहले का खेल में इसके बारे में जिक्र कर रहे थे जर्सी नंबर 9 जो कि बंगाल के रूप में जो कि इसको मैंने पहले ही इसको बोल चुका था जो कि आज का मैच में ये प्लेयर अपने खाते में गोल को रखता था कि नहीं। और जो का इसकी इस बात पर यहाँ पर यकीन क्या है ये प्लेयर जर्सी नंबर 9 एक गोल का यहाँ पर अपने खाते में एक गोल का जरूर रखा है इस मैच बंगाल का, क्योंकि ये प्लेयर से यहाँ पर मानना पड़ेगा पप्पू जी जिस प्रकार यहाँ पर जब भी ये प्लेयर यहाँ पर जो गोल करने का मौका मिलते हैं तो यहाँ पर जल्दी ये प्लेयर चांस को गवाते हैं। तो हालांकि इस बार जिस प्रकार से यहाँ पर थोड़ा हिट किया था पप्पू भाई इस टेक्निक क्षेत्र में जरूर मौका मिला था जर्सी नंबर 9, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल सूरज जी आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है और जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है अभी तक का तो फुटबॉल की दुनिया हो या क्रिकेट की दुनिया हो उसमें से जर्सी नंबर 7 और जर्सी नंबर 9 जो भी प्लेयर को अलॉट होता है जर्सी नंबर 7 और 9 वो उस टीम के बहुत जाने माने प्लेयर होते हैं शायद जहाँ तक मेरा नजरिया और उसी का उन्होंने रोल अदा किया है। तो उसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? तो जी हाँ ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि मैंने कई मैदान में इससे जर्सी को देखे हैं जिस प्लेयर इस जर्सी नंबर पर पहनते हैं तो उस प्लेयर को यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्लेयर होते हैं क्योंकि ये खासकर इस फुटबॉल के जगत में बात की जाए यानी जो रोनाल्डो की जर्सी भी है और मेसी की जर्सी भी है खासकर इसी और यहाँ पर लाल जी इस समय गलत तरीके से यहाँ पर गेम को छीनने की प्रयास कर रहा है और खासकर मैं सभी खेल प्रेमियों को मैं बताना चाहूंगा अच्छा से खेलने की प्रदर्शन करेंगे क्योंकि फुटबॉल मैच एक दिन के लिए नहीं, क्योंकि आप आशा करेंगे तो यहाँ पर दर्शक खुद आपका नाम लेगा। इसलिए मैं सभी दर्शक बंधुओं से मेरा कहना है और साथ ही साथ सभी के प्रेमियों को मैं कहना चाहूंगा अच्छा से खेलने के प्रयास करेंगे क्योंकि एक कहावत में कहा गया है काम करो ऐसा एक पहचान बन जाए, कदम रखो ऐसा एक निशान बन जाए। फुटबॉल पर सभी खेलते हैं मेरे दोस्त।